The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So let's talk about high blood pressure. अगर आपका blood pressure high है, जो कि बहुत common है, high blood pressure is very common, even commoner than common sense. जी हाँ, high blood pressure बहुत ज़्यादा common है, बहुत सारे लोगों को होता है. क्यों होता है, इसको समझना आपके लिए अनिवार्य है, अति आवश्यक है. और उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर क्या है, फिर बात करेंगे इसके सिम्टम क्या है, उसके साइन क्या है, उसके आगे के कॉम्प्लिकेशन क्या है. एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन द वीडियो वेरी शॉर्ट टुडे, ऑल्दो वी हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन हाई ब्लड प्रेशर इन द पास्ट, बट देन दिस विल एनकंपास एवरीथिंग इन शॉर्ट. सो आपके खून की नलियों में, खून की जो नलियाँ होती हैं, उस नलियों के अंदर जो इंटरनल वॉल्स हैं, उस वॉल्स में जो फोर्स लगता है, पानी का जो फोर्स लगता है, वो फोर्स को कहते हैं ब्लड का प्रेशर ऑन द वॉल्स. सो उस फोर्स अगेंस्ट द आर्टरी, अगर वो ज़्यादा है तो वो हाई है, लो है तो लो है, क्योंकि एक अच्छा प्रेशर चाहिए, वरना वो जो नसें हैं वो बंद हो सकती हैं और ब्लड आगे फ्लो नहीं होगा. जब तक प्रेशर नहीं होगा, फ्लो कैसे होगा. ब्लड प्रेशर डिटरमाइन किया जाता है तीन चार चीज़ों से. नंबर एक, कि हार्ट से हर एक बीट में कितना ब्लड निकल रहा है. ऑब्वियसली प्रेशर वही बनाएगा, जितना ब्लड हार्ट पंप कर रहा है ढचक ढचक ढचक, उतना प्रेशर बनाएगा. एंड द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आगे खून की नसों में है. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर आगे खून की नसें खुली हुई हैं तो रेजिस्टेंस कम है, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होगा. अगर वो छोटी सी हैं, मान लो ये इतनी बड़ी से इतनी सी हो जाए, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, अब पानी को जाने में मुश्किल होगी, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. राइट, मतलब उतना प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा आगे बहने के लिए. सो इन दोनों चीज़ों पर ब्लड प्रेशर डिटरमाइन करता है. ठीक है, और आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है बहुत सालों से और आपको पता भी ना चले. देन कहने का मतलब यह है, हाई ब्लड प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिम्टम, इट इज अ साइलेंट किलर. ये आपके पीठ पीछे छुरा भोंक देता है, पता ही नहीं चलता है, अंदर ही अंदर आपको मार देता है, शरीर के काफी हिस्सों को डैमेज कर देता है विदाउट सिम्टम्स. ये आपके खून की नसें, आपके हार्ट, आपके किडनीज, आपकी आंखें, आपके इस सारे ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है. और जब एक लेवल पे ऑर्गन डैमेज पहुंच जाता है, तब शुरू होते हैं सिम्टम्स. सो याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट डिजीज, अनकंट्रोलेबल. अनकंट्रोल्ड मतलब, अगर हाई ब्लड प्रेशर पूरे दिन में, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपका ब्लड प्रेशर हाई चला गया, मान लो 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, सो दैट इज नॉट कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर. बिकॉज 25 मिनट आप दौड़ोगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर 200 जा सकता है, 180 जा सकता है, 160 जा सकता है. दैट डज नॉट मीन यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, दैट जस्ट मीन दैट ओके यू आर एक्सरसाइजिंग, ओके बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ समथिंग और दी अदर, आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है. राइट, बस शर्त है कि जब आप रेस्ट करो, जैसे ही रेस्ट करो, कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज आ जाए. ये क्षमता हर एक की अलग होती है, किसी में 2 मिनट में आ जाएगा, किसी में 10 सेकंड में आ जाएगा, किसी में 2 घंटे भी लग सकते हैं. राइट, ओल्ड एज में ये क्षमता एडजस्ट करने की धीरे धीरे स्लो होती जाती है. सो अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम ही नहीं हो रहा, तो उसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन. और अगर ब्लड प्रेशर एकदम ज़्यादा हाई है, दैट इज़ अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड ही नहीं है, मतलब दवाई के बावजूद भी कम नहीं हो रहा, रेस्ट के बावजूद भी कम नहीं हो रहा, तो दवाई के बावजूद भी कम नहीं हो रहा, उसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर. या तो आप दवाई ले नहीं रहे, या तो आपको दवाई सूट नहीं कर रही, दवाई कम है, वट एवर इट इज़, या बेकार है दवाई, वट एवर यू आर टेकिंग. सो ब्लड प्रेशर अगर आपका कम नहीं हुआ, अनकंट्रोल्ड है, लगातार हाई है, दैट इज़ इक्वलेंट टू आप लगातार दौड़ रहे हैं. आप 1 घंटा दौड़ सकते हैं, 2 घंटा दौड़ सकते हैं, मैराथन दौड़ लीजिए 8 घंटा, पर 2-4 दिन नहीं दौड़ सकते, बेहोश हो जाएंगे. वैसे ही अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार कुछ दिनों, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों हाई रहेगा, तो आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, वेरियस अदर बीमारीज. ये खून की नसें हैं, ये अंदर ही अंदर क्रैक होने लग जाएंगी कि भाई इतना प्रेशर हम नहीं झेल सकते, हमें मुआफ़ी दे दो. तो फिर गलती किसकी है, आपने चेक ही नहीं किया तो पता कैसे चलेगा. सो हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होता है स्लोली, बहुत टाइम लगता है, ऐसे दिनों में नहीं डेवलप होता, कल नहीं था आज से हो गया, इसको समय लगता है. इसलिए रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए. ऑलमोस्ट सबको होगा इवेंचुअली, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों. राइट,
फॉर्चुनेटली ये है कि इसको डिटेक्ट आसानी से कर सकते हैं. अगर आपने डिटेक्ट कर लिया तो यू कैन वर्क टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर. नेचुरली भी इसके तरीके हैं. डैश डाइट है, हमारा वीडियो भी है, डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, राइट. डैश डाइट है, बाकी लो सॉल्ट डाइट है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज हैं, मेडिकेशंस हैं, राइट, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं. साम दाम दंड भेद का ही करा, कुछ भी करो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है. नहीं रहेगा नॉर्मल तो क्या होगा, धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज से सिम्टम होंगे. सिम्टम तक रुकने की जरूरत नहीं है भैया, ये गलती है आपकी. टायर में हवा कम हो तो फटने तक इंतजार नहीं किया जाता. टायर में हवा कम हो तो गाड़ी इंडिकेशन नहीं देती है, अनलेस अनटिल बहुत ही बड़ी गाड़ी है जो इंडिकेशन देती है. कौन सी नई नई आज की नई वाली गाड़ियां आ गई, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां इंडिकेशन नहीं देती है कि टायर में हवा कम है. जब तक फट ना जाए देखना खुद ही पड़ता है, चेक खुद ही करना पड़ता है, वैसे ही ब्लड प्रेशर खुद ही चेक करना पड़ता है. इसको फटने का इंतजार मत करो, ना ही बहुत ज्यादा रहने का, ना ही बहुत लो रहने का, और सिम्टम्स आने का तो इंतजार करना ही मत. लेकिन अगर सिम्टम्स आने लगे तो क्यों आएंगे? मान लो खून की नसों में प्रेशर ज्यादा है, आँख के, दिमाग के, तो सम पीपल आगे चल के जब वहाँ डैमेज होने लगे खून की नसों में तो उनको हेडेक हो सकता है. अगर किसी किसी को नाक से खून बह सकता है, वहाँ इतना प्रेशर ज़्यादा है कि ब्लीडिंग हो रही, मान लो सांस फूलने लग रहे, ये सारे, या मान लो हार्ट में डैमेज होने लग गया, एथेरोस्क्लेरोसिस होने लग गया, वहाँ पे अटैक जैसा अंजाइना आने लग गया, ये सारे साइन सिम्टम्स हो सकते हैं. सो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है तो कृपया जाके अपने डॉक्टर से बात करें या कुछ ना कुछ तो करें. एटलीस्ट डैश डाइट फॉलो करें, अपनी लाइफस्टाइल तो ठीक करें. अब हाई ब्लड प्रेशर होता कितना है, याद रखिए, नॉर्मली हाइपरटेंशन को स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 यानी 120/80 है, 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक. अगर आपको ये भी नहीं पता सिस्टोलिक डायस्टोलिक, जब हार्ट पंप करता है तो खून जाएगा, जब जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, पंप. उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स करेगा तब ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा प्रेशर खत्म और ये पुच बंद, ऐसा नहीं होता, तब भी प्रेशर बना हुआ रहता है. ज़्यादा प्रेशर, फिर कम प्रेशर, फिर ज़्यादा प्रेशर, फिर कम प्रेशर. जो ज़्यादा प्रेशर है वो 120 है, जो कम प्रेशर है वो 80 है, ताकि ये खून की नसें खुली रहें, आगे ब्लड फ्लो रहता रहे, ऐसा ना हो कि आगे पीछे एक ही जगह रगड़ते ना रहे. इसीलिए ये सिस्टम है 120/80. तो अगर नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो गया तो खून रुक जाएगा वहीं के वहीं, अपर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो गया तो खून आगे जाएगा ही नहीं, आपके ऑर्गन्स में पहुँचेगा ही नहीं, दिमाग को, किडनी को पहुँचेगा नहीं, बेहोश हो जाओगे. लो ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो बैड. हाई ब्लड प्रेशर होगा, ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो ज़्यादा फोर्स से जाएगा किडनी पे लगेगा फक से. याद है सब, आप शावर में खड़े होते हैं, अब वही शावर की जगह मान लो इतना खतरनाक वाला आपके ऊपर झरना गिर रहा, वाटरफॉल गिर रहा है कि आप ही बह गए. सो बहुत ज़्यादा फोर्स भी अच्छा नहीं होता. सेम वे हाई ब्लड प्रेशर अगर आपके किडनी पे लगेगा, दिमाग पे लगेगा, आँखों पे लगेगा, सो इट विल कॉज डैमेज ऑन अ लॉन्ग टर्म. एक दिन में डैमेज नहीं होता, राइट. और मान लो कोई एनोरिज्म है दिमाग में, कोई छोटा मोटा क्रैक आया हुआ है, क्लॉट फंसा हुआ है, या कोई जगह है जहाँ पर कच्चा है, वहाँ पर बहुत हाई ब्लड प्रेशर से फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है, जैसे नाक में ब्लीडिंग, ब्रेन में ब्लीडिंग. सो हाई ब्लड प्रेशर अकेला नहीं ब्लीडिंग करता, लेकिन अपने आप हजारों लंबे समय तक प्रॉब्लम रहने से यू कैन हैव अ रिस्क फैक्टर. सो 120/80 इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर. 130/90 अगर आपका रहने लग गया, या 130/85 जिसको कहते हैं, 130/85 इज स्टेज वन हाइपरटेंशन, और उसके ऊपर 140/90 के ऊपर है तो स्टेज टू आप इसका मान लीजिए, और उसके ऊपर रहेगा तो स्टेज थ्री, और फिर हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी. ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने पहले समझाए हुए हैं, इतना टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है, मेडिकल फील्ड का काम है. आपको इतना समझना है कि आपका ब्लड प्रेशर 130/90 के नीचे होना चाहिए, 130/90 के नीचे होना चाहिए. रेस्टिंग ब्लड प्रेशर, दैट डज नॉट मीन मैं दौड़ के आया तो मेरा ब्लड प्रेशर लो होना चाहिए, नहीं. आप रेस्टिंग मतलब आपने 5-10 मिनट रेस्ट कर लिया, उसके बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको कंसर्न होना है, तब आपको सोचना है भाई ये क्यों, तो डॉक्टर से बात करें. और यही ब्लड प्रेशर को 10-10, 20-20 मिनट में चेक करें कि भाई ये कम आ भी रहा है कि नहीं, कि आप लगातार लगातार कम हवा में गाड़ी चलाए जा रहे हो,
इसे फिर आपको चेकअप कराना पड़ेगा. सो दैट इज द बेसिक थिंग अबाउट हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर एक उम्र के बाद बढ़ने लगता ही लगता है, क्योंकि हमारे खून की नसों की इलास्टिसिटी कम हो जाती है एक उम्र के बाद, उसकी जो कंप्लायंस है वो कम हो जाती है. तो एक उम्र के बाद हाइपरटेंशन होना स्वाभाविक है. इसीलिए एक उम्र के बाद में आपको डाइट और वो सारी चीज़ों में सहूलियत रखनी पड़ती है. आज जवानी में एक्सरसाइज किया नहीं किया, बुढ़ापे में करनी पड़ेगी. योगा किया नहीं किया, करना पड़ेगा, करना चाहिए. नहीं करोगे तो बीमार होगे, है ना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. So hypertension can be controlled naturally also. अब causes की बात करें तो there are two causes. One is primary hypertension, secondary hypertension. Primary का मतलब है कि कोई और बीमारी नहीं है, खुद ही आपका unidentified reason, stress, tension, किसी भी problem की वजह से या उम्र के अनुसार high blood pressure आ रहा है. That is primary hypertension, जो सालों में लगता है. Secondary hypertension is because of some disease. मान लो आपको सही से नींद नहीं आ रही, हाई ब्लड प्रेशर. किडनी प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर. इनके वजह से हाई ब्लड प्रेशर. थायराइड प्रॉब्लम, हाइपर थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर. हाइपोथायराइड, लो ब्लड प्रेशर. कोई मान लो कंजेनाइटल डिफेक्ट है आपके खून की नसों में, हाई ब्लड प्रेशर. नसें सुकड़ी हुई हैं, मान लो एओर्टिक आर्च दबा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा. जस्ट लाइक पाइप को दबाओ तो प्रेशर बढ़ जाता है, वैसा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर ट्यूमर है. एड्रिनल हॉर्मोन्स, कैटाकोलामीन्स, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, भक 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 निकलेगा. दीज आर वॉट स्टिमुलेंट्स. तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा. कई तरीके की मेडिकेशंस हैं, बर्थ कंट्रोल्स, फील्ड कोल्ड की मेडिसिन, डीकंजेस्टेंट्स, ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स, ये सारी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं. इलीगल मेडिसिन, कोकेन, एम्फिटामिन, ड्रग, दवाइयाँ, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं. सो कारण है, कारण भी है तो रिस्क भी है. रिस्क किसको है? उम्र जिसकी ज़्यादा है, यानी कि नॉर्मली 40-50 के उम्र ऊपर या 60 के ऊपर तो पक्का ब्लड प्रेशर आ ही जाता है. तो 60-65 के ऊपर ज़रूर रेगुलर चेक करना. रेस है, कुछ प्रकार के रेसेस, अफ्रीकन हेरिटेज वाले लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखा गया है. फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर है तो बीपी ज़्यादा होगा. ओवरवेट हो, ओबेस हो, इनएक्टिव हो, सिगरेट पीते हो, नमक ज़्यादा खाते हो, मतलब बाहर का पैकेज्ड फूड ज़्यादा खाते हो, पोटेशियम बहुत कम है शरीर में, पानी बहुत कम पीते हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, दारू बहुत पीते हो, और कुछ क्रोनिक बीमारियां, डायबिटीज़, स्लीप एपनिया, किडनी बीमारियां, ये सब आपके ब्लड प्रेशर के कारण बढ़ा, रिस्क बढ़ा देती है. अगर आपने ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करा तो मैं बता चुका हूँ कैसे आपकी ऐसी तैसी होगी. आपको हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है. ब्रेन में जो खून की नसों में एन्यूरिज्म जैसी फुफुलाहट, बबुले है नहीं, वो बलूनिंग बन सकती है, एन्यूरिज्म बन सकता है. खून की नसें वीक हो सकती हैं, क्लॉट्स बन सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है. आपके आंखों की खून की नसें फट सकती हैं, आंखें लाल हो सकती हैं. नाक की खून की नसें फट सकती हैं, नाक की ब्लीडिंग हो सकती है. दिमाग में नैरोइंग हो सकती है खून की नसों का, दिमाग में फ्लो प्रॉब्लम आ सकता है, ज़्यादा प्रेशर से डेमेंशिया हो सकता है, याद रहने की प्रॉब्लम आ सकती है, मेमोरी प्रॉब्लम आ सकती है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ सकती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर से. सो याद रखिए, ब्लड प्रेशर ये बहुत सिंपल बीमारी नहीं है. इसको साइलेंट किलर ऐसे ही नहीं बोला गया. इसीलिए रेगुलर 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 अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए. रेगुलर अपना खुद का घर पे वो वाली जो मशीन है, डिजिटल मशीन से भी करो. अंदाजन बताएगी, कुछ तो बताएगी, राइट. आपका ब्लड प्रेशर एवरेज 10 ऊपर 10 नीचे भी चलेगा, लेकिन कुछ तो पता चलेगा. सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. चेक योर सेल्फ, कीप अ रिकॉर्ड, गो टू अ डॉक्टर वेन एवर इट्स हाई. याद रखिए 120/80 नॉर्मल, 120-130 एलिवेटेड. स्टेज वन इज 130 से ऊपर, 130-140 या 80-90 नीचे वाला. और स्टेज टू इज 140 अबव, 140/90 के ऊपर. सो वी डोंट वॉन्ट टू गो देर, वी डोंट वॉन्ट टू गो देर. याद रखिए. सो अपना ब्लड प्रेशर खुद लीजिए और डैश डाइट, DASH, डैश डैश बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पर टाइप करिए अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं. ब्लड प्रेशर की दवाइयों के बारे में एक्सेट्रा एक्सेट्रा कभी और बात करेंगे.